नमस्कार जी न्यूज में मैं आप सभी के साथ रूपा गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आज के बुलेटिन खबरों में। आइए बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। मैं इस समय पुरवा गांव में स्थित हूँ, जहाँ पे ब्लॉक चाका में आता है ना, यहाँ ब्लॉक चाका में। हाँ तो भैया क्या मामला है आपका, क्या नाम है? हमारा नाम शकील खान। अच्छा, आपके ऊपर गांव वाले जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पे आप क्या करना चाहते? जो भी ये कहना चाहता है कि हम गांव के जमीन हड़पे हैं, वो खुद SDM से और तहसीलदार से इस कानूनों से मिलकर वो वहाँ हमारी जमीन ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी का जमीन ना हड़पा हूँ, ना हड़पने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा, और कहा जाता है कि आप माफिया अतीक अहमद के करीबी हैं, माफिया आप गांव, इसलिए आपकी गांव में दमंगई चलती है। माफिया अतीक अहमद को मैं नाम तो सुना है, अभी तक देखा नहीं हूँ कि माफिया अतीक अहमद है कौन, और जो जैसे है वैसे उसको सजा मिलेगी, और माफिया अतीक अहमद ने जो किया है उसकी सजा मिली, और अतीक को मैं किसी भी तरह से कहीं से मेरा कोई लिंक नहीं है, कोई हम उसको जानते नहीं। अच्छा, और कहा जाता है कि पंचायत भवन के सामने जो आपका ज़मीन है उसको हमला किए, मतलब गांव कब्जा किए हुए, गांव पंचायत के सामने जो मार्केट बनी हुई है वो डॉक्टर निजामुल हक सिद्दीकी, स्वर्गीय निजामुल हक सिद्दीकी की है, और हमने ना वहाँ कब्जा किया उसका, हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया, वहाँ से मुकदमा हमारे डॉक्टर निजामुल हक के नाम डिग्री की जमीन पंचायत भवन के सामने कब्जा नहीं किया। आपके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप अतीक अहमद के बहुत करीबी हैं, इसमें सत्यता कितना है? सत्यता यह है कि मैं अतीक अहमद को अच्छी तरह से जानता भी नहीं, और ना अतीक से मेरा कोई संबंध है, ना कुछ लेना देना। गांव वाले या जो लोग हम अतीक से हमारा संबंध बताते हैं वो प्रूफ दें कि हाँ इनका संबंध इनका संबंध अतीक अहमद से है। अच्छा, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जात की वजह से आरोप लगा रहे हों कि हाँ ये ऐसा मुस्लिम है इसके वजह से, मुस्लिम की वजह से कह रहे हैं कि ये इनका अतीक से संबंध है? आप बताइए कि ये हमारे जैसे लोग अतीक के यहाँ अतीक पूछेगा नहीं। अच्छा, मतलब यानी ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसे आरोप लगाया जा रहा है कि आप अतीक के? निराधार, एकदम झूठ और एकदम निराधार है। अच्छा, ऐसे खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।